श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने गृह विधानसभा में बघौच घाट पर खनुआ नदी में श्रमदान किया। कृषि मंत्री ने सुबह 6 बजे से 11 बजे तक करीब 4 घंटे तक नदी में श्रमदान किया। श्रमदान के बाद उन्होंने नदी के तट पर वृक्षारोपण भी किया। एपीएन से बातचीत में कृषि मंत्री ने ये बताया कि जल संरक्षण के लिए उन्होंने खनुआ नदी सहित विभिन्न नदियों के जीर्णोद्धार हेतु अभियान चलाया है। गंगा दशहरा पर के सफाई की शुरुआत हुई थी, इसमें आम जन की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब 1 दर्जन गांव में इस नदी की सफाई कर चुके हैं। देखिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी के आज पुण्यतिथि पर यूपी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी अपने पैतृक गांव के समीप उनके विधानसभा क्षेत्र में पकहा घाट पर उन्होंने सफाई किया। करीब 4 घंटे तक बृहद सफाई अभियान चलाया। हम यहां मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने सफाई किया और क्या क्या चीजें थी। मंत्री जी, आपने 4 घंटे तक बृहद सफाई अभियान चलाया, खुद नदी में थे, किस तरह सफाई, क्या उद्देश्य था? देखिए, उद्देश्य तो सीधा यह है कि नदी के पुनर्जीवन के लिए इसका सफाई होना आवश्यक रहा है, और चूंकि जनता ही इसको गंदा करती है, इसलिए जन सहयोग से ही इसकी सफाई की जा सकती है। देश की और प्रदेश की अधिकांश नदियों को लोगों ने उसके भीतर गंदगी ले जा करके जितना कूड़ा करकट है उसको ला करके नदियों को भरा है। उसके कारण जो नदी का कैचमेंट एरिया है वो कैचमेंट एरिया कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे नदी सूखती जा रही है या उनका जलस्तर खत्म हो रहा है। नदियों में पानी नहीं होगा तो नहरों में भी पानी नहीं जा सकता है। तो इसलिए सबका यह कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि सभी लोग जल संरक्षण की दृष्टि से उसका एक बेहतर प्रयास करें। और अभी हम लोगों ने ये गंगा दशहरा से इस कार्य को शुरू किया, तो कहाँ में बाबा घाट से शुरू करके चतुर्भुज बाबा का स्थान है, वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है बहुत प्राचीन काल की, वहां से प्रारंभ करके आज भागवत दास बाबा के कुटी तक यहाँ पर आए, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर होती है। ये 7 किलोमीटर पिछले 5-6 दिन में, यानी 10 तारीख से लेकर के और आज 23 तारीख है, 13 दिन में इसकी सफाई यहाँ तक पहुंची है। अभी बीच में एक पोर्शन जहाँ एक पिलर पले का टूटा पड़ा है, वहाँ उसके आसपास थोड़ी बचा हुआ है, जिसको मैंने बहुत काट के निवासियों से ये अनुरोध किया है कि उसको एक दिन श्रमदान करके उस एरिया को उसकी सफाई कर दें। ये 7 किलोमीटर अब आप जा करके यहाँ पर देखेंगे तो कितना स्वच्छ पानी है। मेरे साथ चलिए और जा करके देखिए, यहाँ सैकड़ों लोगों ने, जनता जनार्दन ने सहयोग करके ये आज काम किया है। इस बीच में मेरे गांव का एक दूसरा टोला होता है जयनगर, उसके जयनगर के 40-50 लोगों ने एक दिन अपने टोले पर जाकर के नदी को सफाई किया था। यहाँ कल कुछ कोयलसवां में और मलवा बर में भी किया, लेकिन उसको और रुचि के साथ जो लोग कर रहे थे, खाली फोटो खींचने के लिए नहीं, बल्कि ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि इसकी सफाई कराई जाए। अनिल प्रसाद ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछले 4-5 दिन से इन्होंने बहुत परिश्रम किया और जगह जगह जो है इन्होंने जाकर के उस सफाई को करवाए जाने के लिए योगदान दिया, इसके लिए मैं इनको आभार प्रकट करता हूं। और इन लोगों ने मिल करके आज, मैंने कहा था कि मैं सवेरे से 6 बजे से 9 बजे तक रहूंगा, लेकिन अभी 10:30 बजे के बाद यहाँ पर सफाई खत्म हुई है। ये 5 नाव को लगा करके और बीच से ये जितना भी गंदगी थी उसको छाना गया, उसको किनारे लाया गया, जेसीबी से उसको ले जा करके गड्ढे में ले उसको पहुंचाया गया, जहां पर वो सड़ करके खाद वगैरह हो सके। तो यह प्रयास सभी नदियों के लिए यदि लोगों ने किया तो हमारी नदियां फिर से स्वच्छ हो सकती हैं। हम लोग बचपन में इस नदी का, मेरा घर नदी के किनारे ही है, और अभी आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखलाता हूँ कि यहाँ वहाँ पर जब हम लोग यहाँ रहते थे और गर्मी की छुट्टियाँ लगभग गांव पर बिताते थे, तो उस समय गांव में लोगों के भोजन के लिए हैंड पाइप और कुएं बहुत गहरे नहीं थे, इस नाते लोग इस नदी के ही जल से अपना भोजन भी पकाते थे, उसमें स्नान भी करते थे, उसके पानी को पीते भी थे। आज हम लोगों ने कितना प्रकृति को बर्बाद कर दिया यह इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, और इसलिए यह एक बहुत पुनीत काम है और इसके लिए सभी लोग योगदान करते हैं। देवरिया के उस पार जो है, इस गंगा के उस पार कुशीनगर जिला है और कुछ जगहों पर बिहार पड़ता है,
बिहार के ब्लॉक प्रमुख जी को मैंने अनुरोध किया था विजयपुर के, तो उन्होंने 3-4 किलोमीटर अपने गांव के तरफ उस नदी को, यहां से यूपी बॉर्डर शुरू होता है, 3-4 किलोमीटर कराई है। मुझे आश्वासन दिया है कि 3-4 किलोमीटर और हम करा देंगे, जिससे कि उधर की भी नदी का आउटलेट जो है वो सही हो सकेगा। तो सभी लोगों ने यदि प्रयास किया, मैं यहाँ पर खड़े हुए लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप नौजवान हैं, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप अपने नदी को स्वच्छ रखें, अपने गांव को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को स्वच्छ रखें, और साथ साथ में जिस तरीके का जलवायु परिवर्तन हो रहा है और तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके लिए वृक्षों का लगाया जाना नितांत आवश्यक है। इसलिए बृहद वृक्षारोपण भी करें, वृक्ष को लगाएं भी और वृक्ष को बचाएं भी। अपने परिवारजनों के नाम से लगाएंगे, माता पिता के नाम से लगाएंगे, उनकी स्मृति में लगाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उनको उसके लिए आशीर्वाद देंगी। ऑक्सीजन को यदि बना करके रखना है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम पेड़ों को लगाएं। अब यही एक पीपल का पेड़ सामने खड़ा है और कितना हवा दे रही है, तो यदि ऐसे यदि सैकड़ों पीपल के पेड़ होते तो तापमान में 3-4% गिरावट हो जाती, तो लोग को कोशिश करना चाहिए इसके लिए। यह मैं उनसे अपील करना चाहूंगा एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कि बिना जन सहयोग के संभव कुछ नहीं है, या एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और एक दिन जरूर होगा यदि इस संकल्प के साथ काम किया जाएगा तो निश्चित यह पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी उन साथियों को, जिन लोगों ने पिछले 5-6 दिन में परिश्रम करके नदी की सफाई की है, उन ग्रामवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं, और आगे भी इस अभियान को चलाने का, उसमें सहयोग करने का उनसे प्रार्थना करता हूं। तो ये थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जी, उन्होंने कहा कि हम लोगों को आगे आने की जरूरत है और नदियों की सफाई जरूरत है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को का संदेश दिया। राजकुमार गिरी, APN News, कुशीनगर।